वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी स्टफ्ड मिर्चे के पकोड़े, जिसमें हम दो अलग अलग तरीके के चटपटे स्टफिंग बनाएंगे, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। स्टफ़ मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 से 8 इस तरह की मोटी वाली मिर्ची ली है और इसे मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। और इतनी मिर्ची में से हम दो अलग अलग तरीके के स्टफिंग के साथ पकोड़े बनाएंगे। अब पहले मिर्ची को इस तरह से बीच में कट कर लेना है, फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह मिर्ची के बीज निकाल देना है, जिससे पकोड़े ज़्यादा तीखे नहीं लगेंगे। और इसी तरह हमें सारे मिर्ची के बीज निकाल देना है। देखिए, यहाँ सारे मिर्ची के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप नमकीन लिया है। नमकीन आप कोई भी ले सकते हो, आप गाठिया या सेव भी यूज़ कर सकते हो और खट्टा मीठा नमकीन का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये नमकीन लिया है वो खट्टा मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी है। अब ये नमकीन को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और पल्स मोड पर इसे हम क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अगर आप प्लेन गाठिया और सेव का यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ऐड करना होगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डालकर सारे मसाले को हम हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से स्टफिंग का कलर अच्छा आएगा और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करने से स्टफिंग में बाइंडिंग भी होगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून थोड़ा सा नींबू का रस और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा एक स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे हम मिर्ची में स्टफ़ कर लेंगे। इस तरह थोड़ा सा स्टफिंग मिर्ची में ऐड करना है और अंगूठे की मदद से थोड़ा प्रेस करते हुए भर लेंगे। और इसी तरह हमें 3 से 4 मिर्ची में स्टफिंग भर देना है। अब हम दूसरा स्टफिंग बनाएंगे, वो कच्चे केले से। तो मैंने यहाँ 1 कच्चे केले को बॉईल करके छिलके निकाल दिया है। अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कच्चे केले को मैश नहीं करेंगे, इस तरह ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, जिससे स्टफिंग एकदम स्मूथ बनेगा। अब इसमें 50 ग्राम पनीर को ग्रेट करके ऐड करेंगे, जिससे ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस, चुटकी भर हींग, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम हाथ से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए, यहाँ सब मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो स्टफिंग बनके तैयार है। अब स्टफिंग को हम मिर्ची में स्टफ़ करेंगे। अब हमें स्टफिंग को मिर्ची में इस तरह थोड़ा सा प्रेस करते हुए स्टफ़ कर लेंगे और इसी तरह हमें स्टफिंग को 3 से 4 मिर्ची में स्टफ़ कर लेना है। देखिए, यहाँ मैंने दोनों स्टफिंग की मिर्ची को मैंने भर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। वैसे आप चाहो तो बिना कट किए भी पूरी मिर्ची से पकोड़े बना सकते हो, पर इस तरह 2 से 3 टुकड़ों में कट करके फिर पकोड़े बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए, मैंने यहाँ तीनों मिर्ची को कट कर लिया है। अब हम जो केले के स्टफिंग से स्टफ़ किया था वो मिर्ची को भी हम कट कर लेंगे। देखिए, सारी मिर्ची को कट कर लिया है। अब जो हमने नमकीन का स्टफिंग बनाकर मिर्ची में स्टफ़ किया था, उसके बाद जो ये थोड़ा सा मसाला बच गया है, इसे आप कोई भी सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टफ सब्ज़ी बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। और जो केला और पनीर का स्टफिंग बच गया था, उसका आप चाहो तो इस तरह के वड़े बनाकर फ्राई कर सकते हो। अब हम बैटर बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 1 कप बेसन ले लेंगे और 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से बैटर को घोल देंगे। बैटर हमें इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और अच्छे से स्मूथ बैटर तैयार करना है। अब इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना बैटर बनाने के लिए मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब बैटर को हमें इसी तरह एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फैट लेना है, जिससे बैटर एकदम स्मूथ हो जाएगा और एक भी लम्स भी नहीं रहेंगे। अब बैटर में 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और ऊपर से थोड़ा 1 टीस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चम्मच से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फैट लेंगे, जिससे सोडा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें 1 टीस्पून गरम ऑयल भी ऐड करेंगे, जिससे पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी हमारा बैटर बनकर तैयार है, तो अब हम पकौड़े बनाएंगे। उसके लिए मिर्ची को इस तरह बैटर में डिप कर लेंगे और इसे हम ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। देखिए मिर्ची इस तरह बैटर से अच्छे से कोट कर लेना है। पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से गरम करने रख दिया था और ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना है। फिर इस तरह ऊपर से थोड़ा ऑयल डालेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकौड़े फ्राई करेंगे तो पकौड़े लाल हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। और पकौड़े को इसी तरह पलट पलट कर फ्राई कर लेना है और एक पेज फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेगी। देखिए मिर्ची के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो केले के स्टफिंग से मिर्ची बनाई थी उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। एक पेज फ्राई हो जाने के बाद गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है और फिर दूसरे पकोड़े ऑयल में ऐड करेंगे। अब पकोड़े ऑयल में डालने के बाद ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फिर साइड चेंज कर देंगे और इसे हमें पलट पलट कर फ्राई कर देना है। पकोड़े हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे मिर्ची भी अंदर से पक जाएगी। देखिए पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म स्टफ मिर्ची के पकोड़े बनकर तैयार है और दोनों ही स्टफिंग के पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे आप ग्रीन चटनी और मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटे लगते हैं, तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।